ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದುವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ರಾವ್ ಮೇಘವಾಲ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಗದು ರಹಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಓಲೈಕೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಹಚರ ಕಮಿಟಿ ರಂಗನಾಥ ಮಿಶ್ರ ಸಮಿತಿ ಇವುಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನೀಡಿದೆ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡುವುದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಡಳಿತ ನೀಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಜಯಗಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದ 370 ಕಲಂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಎಸ್ಪಿ ಟಿಎಂಸಿ ಸಮತಾವಾದಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಗಠಬಂಧನ ಅಲ್ಲ ಕಟಬಂಧನ ಅಂತ ವ್ಯಂಗವಾಡಿದ್ರು ಅಬ 2004 ಮೇ ಯೇ ಕಂ ಸೀಟೋ ಪೆ ಆಯೆ ಲೇಕಿನ 2009 ಮೇ ಯೇ 204 ಯಾ 205 ಐಸಿ ಸೀಟೋ ಪೆ ಆಗೆ ತೋ ಇನ್ಕೋ ಲಗಾ ಕಿ ಹಮಾರಾ ಯೇ ಬೋಲ್ನಾ ಠೀಕ್ ಥಾ ಕಿಸ್ ದೇಶ ಕೆ ಸಂಸಾಧನೋ ಪರ್ ಪಹಲಾ ಹಕ್ ಮುಸಲ್ಮಾನೋ ಕಾ ತೋ ಏಕ್ ಸಚರ್ ಕಮಿಟಿ ಬನಿ ಥಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಚರ್ ಕಮಿಟಿ उसमें से भी कुछ बुलवा दिया मुसलमानों को हक मिलना चाहिए फिर एक रंगनाथ मिश्रा सच्चर कमेटी बनी थी रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना उसमें भी बुला दिया इन्होंने ये यूपीए के ही सब हैं कारनामे उन्होंने कहा जी मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए जब रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन संविधान निर्माताओं ने मना किया कि ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है हम नहीं दे सकते बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट में मना किया लेकिन ये लगे रहे लेकिन यूपीए सेकंड में बहुत घोटाले हुए 2G का घोटाला हुआ कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ कोयला घोटाला हुआ पता नहीं क्या क्या घोटाले हुए बहुत घोटाले हुए तो इनकी साख गिर गई लेकिन ये लगे रहे और आपको एक सनसनी के समाचार दे रहा हूँ कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला था उसके ठीक पहले दिल्ली की 105 या 107 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी अरे यार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है 2014 उसमें दे दी इसका मतलब अपीचमेंट की इनकी पॉलिसी है मुसलमान सारे वोट हमें मिल जाए ये उनकी नीति है देश किधर ही जाए कोई मतलब नहीं है हम कैसे ही करके सत्ता में आ जाएं ये उनका पार्ट है देश हित उनका कोई प्रायोरिटी नहीं है कांग्रेस की और उसके बाद देखिए 2009 में भी इन्होंने कोशिश की 2014 में भी कोशिश की और 2019 में भी कोशिश की और अब 2024 में भी कोशिश कर रहे हैं और इनके बड़े नेता जो पूर्व नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा या उन्होंने किसी मीटिंग में कहा उन्होंने कहा हम सत्ता में आए ये बोल रहे हैं राहुल गांधी मैं उनको कोट अनकोट कर रहा हूँ हम सत्ता में आए तो हम नेशनल स्तर का एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे वी विल क्रिएट ए बॉडी जो सर्वे करेगी पूरे देश के जितने भी सिटीजन हैं नागरिक हैं उनका सर्वे करेगी किसके पास कितना धन है और जिसके पास ज्यादा है उनसे हम छीनेंगे और जिसके पास नहीं है उनको देंगे ये वो बोले उसी का ही पार्ट है अपीसमेंट पॉलिसी का ही पार्ट है कंटिन्यूस कर रही है और उसके बाद
सेम पित्रोदा, फिर बोल गए कि इस देश में विरासत टैक्स लगना चाहिए। अरे भाई, विरासत एस्टेट टैक्स था तो राजीव गांधी ने समाप्त क्यों किया भाई? उनको इंदिरा जी की संपत्ति में हिस्सेदारी चाहिए तब तो समाप्त कर दिया, अब उसी की वकालत करने लगे सेम पित्रोदा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, हम देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, हम देश का मान और सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, हम हर सेक्टर में डेवलपमेंट करना चाहते हैं। डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, ये दो हमारे महत्वपूर्ण पिलर है, आइडियाज है, जिसके तहत हमने तीन सेक्टर में काम करने का सोचा है। वन इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जब तीनों मिल जाते हैं तो देश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता है और भारत विकसित भारत बन जाता है। ये मुझे इनिशियल रिमार्क करने थे। आपके जो क्वेश्चन होंगे आई कैन आंसर। कोई क्वेश्चन नहीं है? क्या BSNL? मित्रों का मेरा नमस्कार। मैं आज आपके बीच में जो हमारा मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का, जिसको हमने संकल्प पत्र का नाम दिया, और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उसके बारे में कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। देखिए, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जिसको हमने संकल्प पत्र कहा है, वो तीन ऐसे फाउंडेशन पे खड़ा है जिसको हमने पिलर का नाम दिया, थ्री पिलर इन आवर मैनिफेस्टो। वन इज ए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ये आपको समझना चाहिए। वुमन रिजर्वेशन बिल, लखपति दीदी, वुमन एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ द SC ST एंड OBC, कोई अगर हम सीट मेडिकल कॉलेज में या IIT में या IIM में बढ़ाएंगे, ये भी हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। PM श्री स्कूल का भी मुद्दा हो सकता है। ये सब हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड सेकंड इज ए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही बढ़ता है और DBT जैसे ही हम सभी योजनाओं में लागू करते हैं, तो भ्रष्टाचार भी कम होता है और जो बेनिफिशरी है उसको डायरेक्ट पैसा मिलता है। उसमें हम OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का मुद्दा हो सकता है, हमारा DBT स्कीम को बढ़ाने का मुद्दा हो सकता है, विलेज स्तर पे हमारे जो टॉवर हैं जिससे हमें कनेक्टिविटी करनी है वो मुद्दा हो सकता है, रुपए कार्ड को बढ़ाने का मुद्दा हो सकता है, हमारे PayTM को बढ़ाने का मुद्दा हो सकता है, ये सारे जो भीम ऐप का मुद्दा हो सकता है, डिजिटल पेमेंट हम बढ़ाएंगे ये मुद्दा हो सकता है, ये सारे मुद्दे हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट हैं। थर्ड है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे रोड्स हो सकते हैं, हाईवे हो सकते हैं, रेलवे का डेवलपमेंट हो सकता है, सी पोर्ट हो सकते हैं, एयरपोर्ट हो सकते हैं, ऐसे कई ऐसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम है जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। वन इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये जब तीनों मिलते हैं तो ये विकसित भारत की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा मैनिफेस्टो का नटशेल में सार है। उनका मैनिफेस्टो क्या है? कांग्रेस का। ये हमारे BJP के मैनिफेस्टो की मैंने बात की।
कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है? वो अपीचमेंट की पॉलिसी को लेकर के बनाया गया एक मैनिफेस्टो है। जब यूपीए फर्स्ट शासन में आया 2004 में, तो कांग्रेस को मिली थी 145 सीट और बहुमत के लिए चाहिए 272, दूसरे 10 मिले। लेकिन बीजेपी को कोई कम सीटें मिली ऐसा नहीं है, 138 थे, बहुत कम फर्क था। लेकिन दूसरे दल मिले, वो शासन में आए, तो कांग्रेस ने एक थिंक टैंक बनाया जिसमें जयराम रमेश, सेम पित्रोदा, ऐसे लोग थिंक टैंक में हुए। उस थिंक टैंक का पार्ट था कि मुस्लिम हमसे दूर क्यों हुए। आई एम टॉकिंग द थिंग्स ऑफ द थिंक टैंक्स ऑफ द यूपीए फर्स्ट। इन सेकेंड यूपीए सेकेंड में थिंक टैंक में थोड़ा विस्तार किया, लेकिन फर्स्ट में जब थिंक टैंक बना तो जयराम रमेश पहले थिंक टैंक का पार्ट था, बाद में वो मंत्री बन गया था तो थिंक टैंक से निकल गए थे। सेम पित्रोदा भी थिंक टैंक का ही पार्ट था। उस थिंक टैंक में एक सब्जेक्ट आया कि मुस्लिम कांग्रेस से क्यों दूर हुए, इट वॉज ए सब्जेक्ट। तो उसमें ये तय हुआ भी मुस्लिम कहाँ कहाँ गए, तो पता चला मुस्लिम सपा में गए, समाजवादी पार्टी में, मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी में भी गए, मुस्लिम टीएमसी के पास भी गए। तो उन्होंने सोचा कि मुस्लिम को हम कैसे लाएं हमारी पार्टी में। अगेन ये 1940 का ही एजेंडा है जी, मुस्लिम को हम कैसे सबको कांग्रेस के साथ लाएं, ये एक विषय था। उस विषय पे इन्हें सोचा कि हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की एक बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी बोलने वाले हैं, तो इन्होंने लिख के दिया और प्रधानमंत्री जी को भी समझाया कि अगर सारे चीफ मिनिस्टर भी हैं उसमें, अगर आप ये बोलेंगे कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है तो मुस्लिम हमारी ओर आकर्षित होंगे। तो ये मीटिंग थी 9 दिसंबर 2006, मीटिंग थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, और मीटिंग वाज हेडेड बाय ए दी देन एक्स द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और उन्होंने बोला कि इस देश के जो रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज, उस पर पहला हक माइनॉरिटी का, विशेष रूप से मुसलमानों का, ये बोला उन्होंने, ये ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद उन्होंने 2009 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मनमोहन सिंह जी ने मुंबई में, वो कोई भूल से बोला ऐसा नहीं है, इट वॉज ए पार्ट ऑफ थिंक टैंक कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द कांग्रेस पार्टी। 2009 में भी मनमोहन सिंह जी बोले मुंबई में कि इस देश के संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर पहला हक मुसलमानों का। देखिए बीएसएनएल को खराब किसने किया? हम मोबाइल बीएसएनएल को क्यों नहीं दे पाए? 2G का घोटाला किसने किया? हमने बीएसएनएल को, हमने कहा है कि बीएसएनएल भी एक प्लेयर है, वो रहना चाहिए, हमने उसको ठीक किया है, हमने भारत सरकार से उसके लिए एक पैकेज दिया है। इन्होंने डिस्टर्ब किया बीएसएनएल को, बेचा, खराब किया, समय पे मोबाइल नहीं दिए, समय पे दूसरा 2G नहीं दिया, समय पे नहीं दिया इसलिए दिक्कत हुई। अभी बीएसएनएल को इतने टॉवर दिए हमने, आपको पता है बहुत गांव में टॉवर लगेंगे, बीएसएनएल का नेटवर्क हमने सुधारा है। देखिए हमने जो टारगेट इस बार लिया है, अब की बार 400 पार, हमने एक कैलकुलेशन किया कि हमने आर्टिकल 370 हटाया तो देश की जनता हमें 370 का आशीर्वाद देगी, बीजेपी को कमल के निशान पे, और जो एनडीए के साथी है ये मिलकर के हम 400 पार करेंगे, ये हमारा टारगेट है। और हम इस दिशा में ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे 4 जून को, तब आप देखना इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मैं राजस्थान बीकानेर से आता हूँ, बीकानेर,
फर्स्ट फेज में मेरा इलेक्शन था 19 अप्रैल को। मैं एज ए कैंडिडेट आपको आपको बता रहा हूँ, मैंने करीब उस दिन 19 अप्रैल को या तो 40 या उससे ज़्यादा मैंने पोलिंग स्टेशन देखे होंगे। मैं गया, मुझे कांग्रेस के टेबल और कांग्रेस के लोग 10 जगह ही मिले, मैंने काउंट किए। कांग्रेस के लोगों में ही निराशा है, हमारी 25 सीटें हैं जिसमें एक को टिकट दी, उसने लंदन से बोला कि मैं टिकट मांग ही नहीं रहा था, मुझे दे दी तो चेंज करनी पड़ी। जयपुर जैसी सीट पे सुनील शर्मा को टिकट दी, उसने कहा मैं नहीं लड़ना चाहता, तो प्रताप सिंह खाचरियावास को दी। ऐसे कई उदाहरण हैं, कांग्रेस में ही निराशा थी हमारे यहाँ, ऐसी निराशा मुझे लगता है और जगह भी है, उनके ही लोग नहीं थे जी। जब उनमें निराशा है तो उनके आदमी आए नहीं, तो हमारे बीजेपी के वोट ठीक मिले हमें, कांग्रेस के लोग कार्यकर्ता निराशा में थे और वो वोट लाए नहीं, इसलिए वोट परसेंटेज गिरा। हमारे वोट ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ राजस्थान में। नॉर्थ इंडिया में ठीक है, साउथ इंडिया में क्या? साउथ इंडिया में गारंटी, साउथ इंडिया में भी हम इम्प्रूव करेंगे। सर गारंटी कौन सी गारंटी कांग्रेस का गारंटी? कौन सी क्या है गारंटी जी कांग्रेस की? कांग्रेस क्या सेंटर में पावर में आ रही है क्या? किस चीज़ की गारंटी है? देखिए क्या नहीं क्या है आपका 543 सीटें है ना पूरे लोकसभा की, इट इज़ इलेक्शन ऑफ द लोकसभा। कितनी सीटें हैं? 543। व्हाट इज़ द बहुमत का आंकड़ा क्या है? 272। कांग्रेस ने कितने कैंडिडेट खड़े किए? 230। तो फिर कहाँ से सत्ता में आएंगे? काय की गारंटी? झूठ बोल रहे हैं। तो नहीं, इंडिया अलायंस में क्या है, जैसे मैं बताता हूँ, मैं सीकर राजस्थान में, वहाँ उन्होंने कांग्रेस ने सीट छोड़ दी कम्युनिस्ट पार्टी को कि हमारा अलायंस है, ठीक है, इंडी गठबंधन है, और राहुल गांधी के सामने कम्युनिस्ट पार्टी का ये आदमी चुनाव लड़ रहा है। क्या है ये? ये गठबंधन है, ये ठगबंधन है, जनता जानती है। चलिए साहब, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।